टीम इंडिया के लिए ये साउथ अफ्रीका टूर की शुरुआत किसी सुहाने सफर के जैसी हुई है। टीम इंडिया ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पूरी तरह से होम टीम को डोमिनेट कर लिया। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब टीम इंडिया की असली परीक्षा शुरू होगी 26 दिसंबर से टेस्ट मैचेस में। कैसा रहा है टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका में टेस्ट रिकॉर्ड और किस इंडियन बैटर ने बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन उन्हीं की सरजमीन पर, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाय एवरीवन, आई एम तान्या एंड यू वाचिंग स्पोर्ट्स वाला। अगर टीम इंडिया के टेस्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो टीम इंडिया जहां पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट जीतने का ख्वाब लिए इस सीरीज के लिए मेहनत कर रही है, वहीं साउथ अफ्रीका अपनी होम सॉइल पर टीम इंडिया के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड जो उनका है ऑलरेडी चल रहा है उसे बरकरार रखने की तैयारियों को पुख्ता कर रही है। बात करते हैं टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका में खेली गई टेस्ट सीरीज की। तो साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया ने अब तक 8 टेस्ट सीरीज खेली है, लेकिन टीम इंडिया का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया को इन 8 सीरीज में 7 सीरीज में सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा। केवल एक बार साल 2010 और 11 में यहां सीरीज ड्रॉ कराने में कामयाब रहे थे। अब बात कर लेते हैं इन सीरीज में खेले गए नंबर ऑफ मैचेस की। साउथ अफ्रीका में हमारी टीम ने 8 टेस्ट मैच सीरीज के तहत 23 टेस्ट मैच खेले हैं। इन 23 में से उसे केवल 4 मुकाबलों में जीत मिली है। यहां टीम इंडिया को 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। लास्ट टाइम यहां भारतीय टीम ने ठीक एक साल पहले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, तब टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में उतरी थी। यहां भारतीय टीम को 1-2 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अब इस रिकॉर्ड को देखने के बाद इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि रोहित शर्मा और उनकी टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी कभी शायद रिकॉर्ड्स भी दिमाग में प्ले करते हैं ना। खैर, अब बात करते हैं कि किस बैट्समैन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। करंट क्रिकेटर्स को देखें तो इस समय प्रोटियास के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हमारी टीम के एक ही बंदर रन मशीन विराट कोहली ने बनाया। विराट ने 14 मैचेस में 1236 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इस दौरान उन्होंने 3 शतक 4 अर्धशतक भी लगाए। इस टीम के खिलाफ डबल सेंचुरी भी मार चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका जो बेस्ट स्कोर है वो 254 का है। अब अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस इंडियन बैटर ने बनाए हैं, तो इसका जवाब है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 मैचेस में 1741 रन बनाए हैं, 7 शतक 5 अर्धशतक लगाए इस दौरान और सचिन का बेस्ट स्कोर 169 रन रहा है। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे। सहवाग ने 15 मैचों में 1306 रन बनाए, 5 शतक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 13 शतक भी लगाया है, उनका बेस्ट स्कोर 319 रन रहा है। राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर है। द्रविड़ ने 21 मैचों में 1252 रन बनाए, 2 शतक लगाए 5 अर्धशतक लगाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट की जो अग्नि परीक्षा है वो 26 दिसंबर से जोहानिसबर्ग में शुरू होगी। अब देखिए ये सारे स्टैट्स हमने सुने, लेकिन फिर भी भाई हमारी टीम है, रोहित शर्मा इतना बढ़िया खेल कर आए हैं सब लोग वर्ल्ड कप में, तो आपको लगता है कि उस कॉन्फिडेंस को लेकर टीम इंडिया ये जो इतिहास वहाँ पर लिखा है उसको बदल सकती है क्या? टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जिन्होंने हमेशा से अपनी होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज में डोमिनेट किया है उनको डोमिनेट कर सकती है? दुआ हमारी यही है कि ऐसा ही हो, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ऐसा होने वाला है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।